हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर जिस भी स्टूडेंट ने ये टॉपिक पहले मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इट हैज कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग दोज प्रोडक्ट इन विच इट हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और यहाँ पे मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइज रिसोर्सेज होती हैं जिनको यूज करके कंट्री कंपरेटिव एडवांटेज गेन करती है। ठीक है, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ मिनरल रिसोर्सेज हैं जो रिच क्वांटिटी में है। अब उनके थ्रू अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटर तरीके से वो हमें मिल पा रहे हैं, कम कॉस्ट में मिल पा रहे हैं, और हम उनसे क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ही कंपरेटिव एडवांटेज कहते हैं। ये क्या है? ये एक कंपरेटिव एडवांटेज है उस कंट्री के लिए जहाँ रिसोर्सेज रिच क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1947 में, जिसको हम गट बोलते हैं। इट वॉज एग्रीड ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वॉज एग्रीड इन 1947 एंड रिप्लेस्ड, और इसको रिप्लेस किया गया किसके किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑन 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो सारे एग्रीमेंट कवर करता है जो ओरिजिनल प्रोविजंस ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड में अप्लाई किए गए थे। ठीक है, इसको बस चेंज किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द ईयर 1995। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर जिस भी स्टूडेंट ने ये टॉपिक पहले मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच इट हैज कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग दोज प्रोडक्ट इन विच इट हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और यहाँ पे मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्पेशलाइज रिसोर्सेज होती हैं जिनको यूज करके कंट्री कंपरेटिव एडवांटेज गेन करती है। ठीक है, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ मिनरल रिसोर्सेज हैं जो रिच क्वांटिटी में है। अब उनके थ्रू अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटर तरीके से वो हमें मिल पा रहे हैं, कम कॉस्ट में मिल पा रहे हैं, और हम उनसे क्वालिटेटिव गुड्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ही कंपरेटिव एडवांटेज कहते हैं। ये क्या है? ये एक कंपरेटिव एडवांटेज है उस कंट्री के लिए जहाँ रिसोर्सेज रिच क्वांटिटी में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1947 में, जिसको हम गट बोलते हैं। इट वॉज एग्रीड ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वॉज एग्रीड इन 1947 एंड रिप्लेस्ड, और इसको रिप्लेस किया गया किसके किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑन 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो सारे एग्रीमेंट कवर करता है जो ओरिजिनल प्रोविजंस ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड में अप्लाई किए गए थे।
ठीक है, इसको बस चेंज किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द ईयर 1995। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रिपल ट्रेड नेगोशिएशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से फोरम की तरह काम करता है, प्रोवाइड द वेरियस प्रैक्टिसेस विच आर रिलेटेड टू फॉरेन बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात हो, चाहे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बात हो, ठीक है, ऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इन्वॉल्विंग ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग प्लस कॉपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ताकि आपको फंडिंग प्रॉब्लम ना हो इजिली, आप फंडिंग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आप फंड रेज करना चाहते हो तो इजिली आप फंड रेज कर सको, ठीक है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट किया गया, और किस तरीके से कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकती हैं, डेवलपमेंट कर सकती हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये सब मेन फंक्शंस थे, ओवरसीइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू एंश्योर ग्लोबल फ्री ट्रेड, ठीक है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि भी ग्लोबली ट्रेडिंग फ्री होनी चाहिए, फ्रीली मूवमेंट्स हो गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ, ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस होने चाहिए। पहले क्या होता था, पहले जब हम अगर हम बात करें पास टाइम की, तो इंटरनेशनल बिजनेस प्रोसीड करते समय हमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते थे, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए होते थे, ठीक है, जिनको ट्रेडिंग लैंग्वेज में टैरिफ और नॉन टैरिफ बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, नंबर ऑफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ मैं टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों ही तरीके के बैरियर्स की बात कर रहा हूँ, जिससे फ्रीली गुड्स को हम मूव कर सकें फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। तो ये वही चीज, नॉन टैरिफ बैरियर्स। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज एक्सपेंड प्रोडक्शन, allow optimum use of world resources. Its procedures are based on principles of transparency, predictability and certainty. ठीक है, World Trade Organization agreements. Goods, जो World Trade Organization है वो कितने types के goods cover करता है, goods, industrial product, consumer durable, services, banking insurance, consultancy services, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर गुड्स विच कवर अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और साइलेंट फीचर्स, तो ये भी आज के ही लेक्चर में कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वन है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, विच इन प्रैक्टिस मीन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, फेयर प्राइसेस, फेयर वेज प्राइसेस पे आपको गुड्स को सेल करना है, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट और सेम रूल फॉर ऑल, सभी के लिए सेम रूल होने चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे काम करता है। नंबर ऑफ कंट्रीज आर मेंबरशिप under the membership of the World Trade Organization, so in this way equally treat every nations, ठीक है, ताकि आपस में कोई conflict ना हो और कोई dispute ना हो। उसके बाद predictable trading system, more competitive trading system, special consideration to less developed countries, adjust greater flexibility, special privileges, ठीक है। अब silent features कौन कौन से हैं, silent features of World Trade Organization, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, एग्रीमेंट ऑन मार्केट एसेट्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स और एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज। तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद जर्नल इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड किए हैं और एग्जाम टाइम के लिए एक बेटर कंटेंट दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए।
जनरल इम्प्लीकेशन में बात कर रहे हैं, द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू एग्रीमेंट इज बींग फेड इन एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग. वर्ल्ड मार्केट आर ओपनिंग ड्यू टू लोअरिंग ऑफ टैरिफ. ठीक है, टैरिफ्स को कम किया. डेवलपिंग कंट्रीज विल हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटी. ठीक है, जो कंट्रीज अंडर डेवलपिंग है या जो डेवलपिंग टाइम में चल रही हैं उनको ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दी जाती है. विच दे हैव कॉस्ट बेस्ड कंपरेटिव एडवांटेज, जहाँ वो कॉस्ट बेस्ड कंपरेटिव एडवांटेज गेन कर सके. ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केट विल बिकम टफ बिकम कॉम्पिटिशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज. देर इज अ वेव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. एवरी कंपनी विल हैव टू कॉस्ट ऑडिट एंड द कंपेयर इटसेल्फ विद ग्लोबल मार्केट. अवेयरनेस ऑफ नॉलेज लीगल एंड बैंकिंग. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड ट्रेड इन सर्विसेज विच शुड बी ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस. ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, दिस ऑल आर जर्नल इम्प्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. इसकी स्टार्टिंग 1905 में हुई थी, जिसको जो मेन फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ और ट्रेड. जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ और ट्रेड की शुरुआत 1947 में हुई थी. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गट के सारे इम्प्लीकेशन और सारे प्रोविजंस को फॉलो करता है, इंक्लूड करता है. ठीक है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज एग्रीड 1947 एंड रिप्लेस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स कवर ऑल द ओरिजिनल प्रोविजंस ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स. ओके, 76 गवर्नमेंट बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इन फर्स्ट डे. पहले ही दिन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई तो 76 नेशंस ने इसकी मेंबरशिप ली. ठीक है, एंड 127 बाय द दिसंबर 1996. और आज के टाइम में नंबर ऑफ द कंट्रीज हैव द मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर. तब तक आप ये पढ़िए, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कस कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. इस टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ. और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.